हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा और आप सब लोग कैसे हो? अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और गाइस अपना ध्यान रखना। गर्ल्स खास तौर पर आप अपना कोई भी डिसीजन लेना बहुत सोच समझ कर लेना। और दोस्तों आज बात करते हैं, यार अब मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो यार बनता है ना यार आप लोगों के लिए कि कुछ जो छोटी छोटी ज़रूरी बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैं हमेशा न्यूज़ के ऊपर बात करती हूँ या बिग बॉस के ऊपर बात करती हूँ या फिर ख़ास तौर पे मैं गर्ल्स के लिए, औरतों के लिए मैं ज़्यादा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ बुरी लगती है यार मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ। अब अगले वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, मैं बिना बोले भाई अपा नहीं रह सकते, सीधी सी बात से कुल मिला के। हाँ तो यार मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी क्योंकि मेरे घर में हुई है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि गाइस अगर आपके दांतों में, मतलब आपके आगे के दांत हो या पीछे की अपनी जो जाड़ वगैरह जो होती है वहाँ पे अगर कैविटी होती है तो उसको जल्दी से जल्दी आप ठीक करवा लें। मतलब या तो आप उसमें जैसे मसाला, हिंदी वैसे नॉर्मल आप लोगों को समझाऊं तो जैसे मसाला वसाला भरवाते हैं आप, वो भरवा लो। डॉक्टर आपको कैप लगाए तो आप कैप लगवा लो उस पर, और मतलब और उसके बाद अगर आपको डेंटिस्ट देता है एंटीबायोटिक वगैरह वो मेडिसिन आप प्रॉपर वे में लें ताकि जो कैविटी हुई है वहाँ पे जो मतलब इंजरी हुई है वो हील हो सके। क्योंकि गाइज अगर आप इस चीज़ में अगर आप डिले करोगे, आपके दांत में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप इस चीज़ को डिले करोगे तो देखो अपनी नोज के अंदर साइनस होता है, वहाँ पे जगह होती है, वहाँ पे क्या होता है कि है ना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब वहाँ पे हमें पानी भर जाता है और वो फिर पानी मतलब जब भरता है तो आपको मतलब जबड़े में दर्द होगा, आपकी नोज में दर्द होगा आगे की साइड, आपके फोरहेड में आधा फोरहेड आई जा ऐसे, मतलब आधा हिस्सा आप ऐसे मान लो आपका ये पूरा पेन करेगा। तो अगर आपने अपना दांत का कोई भी प्रोसीजर करवाया है और उसके बाद आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी नोज में पेन, आपके जबड़े में पेन, आपके मतलब आईज में पेन, आपके सिर में आधे सिर में दर्द, अगर ये सब हो रहा है तो आप समझ जाओ आपको साइनोसाइटिस हो गया है, मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया है वहाँ पे, जो फ्लूड एक्यूमलेट हुआ है वो पहले एक्यूट उसमें था। तो इसलिए कभी भी आप दांत का अगर कुछ भी करवाएं, आपकी दांत अगर ख़राब है तो स्पेशल तौर पे उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवा लें ताकि वो और उसके बाद एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो मेडिसिन भी आप लें ताकि जिससे आपकी जो कैविटी है वो हील हो सके। अगर वो हील नहीं होगी तो आपका वो साइनस के वहाँ पे जो जगह खाली रहती है वहाँ पे पानी भरेगा और आपको क्रोनिक साइनोसाइटिस होएगा और फिर आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए ये एक छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी मदर के साथ हुआ है और मैंने मेरी मम्मी को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, अभी भी डर के मारे कि ऑपरेशन होगा घर भाग गई है, नहीं आ रही है और फिर वो चीज़ बढ़ते 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 आगे और बढ़ जाएगी। तो इसलिए गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर मैं करना करी है मैंने ताकि यार मेरा चैनल है तो आप लोग जो भी है आप मुझे सुनते हो करते हो, बट ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों के काम आती हैं। बच्चों के भी दांत ख़राब हो जाते हैं, छोटे बच्चों के अपने बड़ों के भी हो जाते हैं, तो प्लीज़ गाइज ध्यान रखें, थोड़ी सी प्रॉब्लम होते ही डेंटिस्ट को दिखाएं ताकि ऑपरेशन तक की नौबत ना आए। थैंक यू गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।